आप भी ले लो कुछ भी, मैंने कॉफ़ी ली है वहाँ से। कौन सी है ये? नॉर्मल ये लैक्टे है, मैंने लैक्टे ली है। तो जी दोस्तों, हम लोग ब्लैक सिटी सेंटर से वापस आ गए हैं। तो ये ऊपर चले गए थे, मैं नीचे, ये मैंने कॉफ़ी ली है, इनका वेट कर रही थी, तो ये भी आ गए हैं, तो ये भी अपनी कॉफ़ी ले लें। उसके बाद देखते हैं, इनसे ही मशवरा करके देखते हैं कि बाहर बीच पे वो जाना है कि इधर ही होटल में कुछ करना है, क्योंकि अभी बस होटल में ही है और बुकिंग्स की प्राइसेस ऑब्वियसली ले आए हैं वहाँ से, और ऑनलाइन से भी चेक करनी है, और जो मुझे रीजनेबल लगी तो वो आज एक कल के लिए बुक कर लेंगे इंशाल्लाह, फिंगर्स क्रॉस। तो यस, दिस इज़ व्हाट वी गोना डू नाउ। हवा ऐसी चल रही है जैसे मैं उड़ जाऊंगी। बीच साइड पे जा रहे हैं तो आपको बीच भी दिखाते हैं। अली आगे आगे जा रहे हैं। अली वो चले गए हैं। तो बहुत हवा चल रही है और मुझे पता है हवा में ना आवाज नहीं आएगी, तो मैं कोशिश करूंगी।
बात है, द रीजन इज यहाँ पे इन्होंने आइलैंड बनाया हुआ था, ये इन्होंने किया हुआ है, ये पानी जो है वो छल्ले मारता आ रहा है वहाँ से। एंड द सेकंड थिंग, आपको शायद आइडिया ना हो रहा हो, पानी बहुत चढ़ा हुआ है। और नॉर्मली इस तरह का वीडियोस में जब हम पानी देखते हैं ना, तो तूफान के टाइम पे ही देखते हैं। ओए 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 अपनी कमेंट्री जारी कर रहे हैं अपने ब्लॉग में। और फला ये देखे, यहाँ पे पानी भी आने लगा क्योंकि रेत जा रही थी, तो मैंने ग्लासेस पहन ली ताकि रेत ना जाए, फिर भी जा रही थी तो काफी स्केरी लग रहा है। तो अभी अंदर से बाहर आए यही कि चलो थोड़ी सी इसकी वीडियो बना लेते हैं। यहाँ आए तो इतना ये देखे उछल उछल के आ रहा है और कुछ नहीं नजर आ रहा, सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है। वैसे मुझे पता है सर्दी के कुछ इलाकों में सैलाब आया हुआ है काफी ज्यादा, बेलेक में इटालिया में ही आया हुआ है, लेकिन बेलेक में जगह हम आ रहे थे ना उन्होंने सर्च की थी तो नहीं आ रहा, लेकिन इस पानी को देख के तो मुझे डर लग रहा है। बट नहीं, मैंने सुना है 3 दिन के बाद ना वेदर अच्छी हुई, तो होपफुली मेरी आवाज़ जो है ना हवा चल रही है आ रही है, वो जमला रहा अंदर जा के देखिए वो मिट्टी मुँह में जा रही है। तो यस, और वो वहाँ खड़े हैं, उन्हीं का वेट कर रही हूँ। बट हाँ, अगर ये मौसम अच्छा होता तो बहुत खूबसूरत है, अभी भी खूबसूरत है, ऐसा नहीं कि खूबसूरत नहीं है, बस अभी मौसम थोड़ा सा ऐसा हो गया ना इस वजह से। और यहाँ पे पोज करना चाहते हैं और इन्होंने कैमरा दिया है अली को ताकि उसकी बनाए। देखा मेरी आंखें बंद है यार। वाइफ ही चेंज हो जाती है, वाइफ नहीं मैंने कहा आप जैसे इसमें वाइफ ना चली गई, वाइफ चेंज हो जाती है कजन से, ऐसी नेचर पे आ गए, ये मौसम ये हवा। वाइफ ने मेरी तो 3 बार रेत भी चख ली, रेत कैसी थी टेंट टेंट मजे की चले मतलब चला जाएगा। ये तो मैं चाहती थी, इसको क्या बोलते हैं झूला ना, हाँ।
नीचे तो बिल्ली नाइस है और ऑकवर्ड है, अचानक लगता है बंदा पीछे जा रहा है। मैं बैठी ना तो बिल्कुल बैठ। अच्छा थोड़ा पीछे होके तो बैठे आप। नहीं अच्छा ये काट देना ना, लेकिन पीछे तो हूँ सही से। आओ चिल करे ला 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 ला। अब उठना है, मैंने उठने की वीडियो आपने डालनी है, उठना है आपने। ट्विस्ट करे उठ जाएंगे ना ध्यान से। थैंक यू। हम अंदर जा रहे हैं। वाला था और हम वो मुश्किल वाले पे बैठ गए। ये देखिए इस पे बैठते हैं ना। हाँ इस पे बैठे हैं, इस पे मजा है। अच्छा है, ये बेटर है। वापस अंदर आ गए हैं और मेरा आईलाइनर ही देखे। क्यों हंस रहे हैं? अंदर जूं ही आए ना तो वो गर्म हवा लगी, हालांकि इतनी सर्दी नहीं है, वो फिर भी बाहर अच्छा था। हाँ ये बहुत प्यारा है, है ना। इस आंख में कुछ गया हुआ है, इस वजह से ना थोड़ी देर के बाद ना आंख बंद करके आप फिर नहीं ज्यादा बेटर है। यस तो भी बहुत विंडी है बाहर। तो कॉफी पीने के बाद हम लोग चले गए थे जो इनका हॉट पूल है वहाँ पे। एक घंटा था तो हमने अच्छे से स्विमिंग की, फिर ऊपर आके ऑब्वियसली शावर्स लिए। अभी तैयार हो गई, मेरी अभी भी आँख को बहुत दर्द है, ऐसा लग रहा है कुछ बस वो रेत अंदर चली गई है जो बार बार वो मैंने बहुत कुछ वॉश भी कर दिया है फिर भी नहीं ठीक हो रही। तो खैर ये ठीक हो जाएगी। तो बस कमरे में आए तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा ये कमरा दिखा दूँ, क्योंकि कल शायद हम लोग चेंज करें, फिंगर्स क्रॉस्ड। जब हम आए थे तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि ये वाली रूम दी थी, हालांकि मैंने रिक्वेस्ट होती है, बिजी थे तो ऑब्वियसली मुझे पता था, फिर भी मैंने रिक्वेस्ट फिर से मार दी ना। तो उन्होंने कहा कि था कि 28 यानी कि जो कल है ना उस दिन वो चेंज कर देंगे सी व्यू रूम। तो वैसे तो आज की सी का व्यू देख के थोड़ा सा वो था कि ये रूम है अच्छी और कंफर्टेबल हो गया ना, तो देखती हूँ अगर उन्होंने चेंज कर दी ठीक है, ज़्यादा जोर नहीं लगाऊंगी। तो मैंने सोचा जाने से पहले थोड़ी सी मैंने जल्दी जल्दी सी थोड़ी सी सफाई की, क्योंकि दो दिन का गंद लाइक रात को आए थे तो आज सुबह हाउसकीपिंग ने साफ नहीं की थी, सिर्फ उन्होंने जो टॉयलेट्रीज देनी थी वो दी और बाकी कमरा फैला हुआ था क्योंकि अली साहब ने अपने कपड़े सारे फैलाए हुए थे। तो मैंने अभी कपड़े दूसरे बैग्स में से नहीं निकाले क्योंकि निकालूंगी फिर कल दोबारा से पैक करूंगी तो ये सब नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा था कि अगर अब कल डिसीजन होगी, अगर मूव होंगे तो ठीक है, नहीं तो सब सेट कर दूंगी। तो आपको रूम थोड़ी सी दिखा देती हूँ कि रूम का व्यू कैसा है। तो रूम बहुत ज़्यादा लग्जोरियस बड़ी नहीं है, लाइक जैसे अभी मैं और ईमान मामरस से होके आए थे तो लिविंग रूम और ये सिंपल सी रूम है, रिजॉर्ट्स हैं, रिजॉर्ट्स की ऐसी होती हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से आए तो ये बड़ा सा ड्रो है जिसमें से कपड़े और कुछ कपड़े मैंने यहाँ पे कर दिए थे, ये सिर्फ जैकेट्स मैंने की हैं और मेरे जो दो ड्रेसेस हैं बाकी सब अभी वहाँ लगेज बैग में है। तो यहाँ पे एक मिनी बार है जो फ्री है, मैं देखती हूँ मैंने नेल्स के साथ ही खुलेगा कि नहीं, चलो खुलता है। ये हम लेके आए थे, बाकी ये सब मिनी बार, ये हर रोज़ आते हैं और पूछते हैं आपको क्या चाहिए, चाहे 5 बॉटल कोक की ले लो या जो भी फैंटा भी है, जूसेस भी हैं। तो हमने अभी ज़्यादा पिया नहीं लेकिन फिर भी वो आया था तो थोड़ी सी ले ली थी, और पर वो मैं लेके गई थी वो सिटी सेंटर, वहाँ पी ली। तो बाथरूम सॉरी अगर गंदा है, थोड़ा सा यूज़ किया था। तो बाथ है, शावर है, अच्छा सा ये है, ये अच्छी सी टॉयलेटरी भी दी थी उन्होंने और सिंपल सी टॉयलेट इस साइड भी है। गाउन्स भी थे और यहाँ पे शूज़ भी थे, स्लीपर्स वो जो उधर बाहर अभी पड़े हैं वो नीचे पड़े हैं। तो इस एरिया पे मैंने अपना लगेज रख दिया एंड ये देखें, और इस शीशे का कमाल देखें, ये शीशा भी है लाइक मिरर है और साथ में टीवी है जो थोड़ी देर में ऑन होगा अगर मैंने सही से इसको दबाया है, तो ये ऑन हो गया। तो ट्विन वन है जो मुझे मज़े का लगा।
और यहाँ पे बेड है और ये ऑन हो गया। तो ये ऑन जब होता है तो इन्हीं का कुछ लगता है, बंद कर दिया। और यहाँ एक सीटिंग एरिया है नाइस सा, और ये बालकनी एरिया, मैंने अभी स्विमिंग से आए हैं तो कपड़े यहाँ पे रख दिए। और हवा बहुत चल रही है और व्यू हमारा दरख्तों से, हिसाब लगा ले कितना वो विंड है कि ये दरख्त ही ऐसे हो रहा है, ला खैर करे। तो यस ये लग गई। सो जी ये छोटा सा, मैंने सोचा कल दूसरी रूम में जाएंगे, फिंगर्स क्रॉस्ड अगेन, लेट्स सी। तो ये रूम आपको दिखा दें, बहुत अच्छा है, लाइक कोजी नाइस स्वीट सा, टेम्परेचर चाहे ठंडा गर्म कर लो। जी ये थोड़ा सा छोटा सा मैंने सोचा आपको रूम टूर भी करवा दूँ। वैसे मैंने इस रूम की बनाई है जो सेपरेटली, बगैर किसी वॉइस के, सिर्फ म्यूज़िक होगा, थोड़ा सा है, बल्कि वही है जो मैंने आपको दिखाया। ज़रा टू टाइम मुझे वीडियो करनी पड़ी, अली भी नीचे चले गए, मैंने उनको कहा आप जाओ मुझे मेरा काम करने दो, उसके बाद अभी उनको मैसेज करूँगी, फिर खाने को चलेंगे। तो यस बहुत मज़ा आया वहाँ, मज़ा इसलिए आया क्योंकि अली के साथ ही, तो बस यही था इनके साथ टाइम स्पेंड करना। ये घूम रहे थे, मैं इनके साथ पीछे पीछे थी, ये भी अपना ब्लॉग कर रहे थे, फिर मेरी पिक्चर्स निकाल रहे थे अपने इस प्यारे से कैमरे के साथ। तो यस उसमें से भी बड़ी अच्छी सी मेरी पिक्चर्स आई हैं। और फिर आए हैं, फिर स्विमिंग साथ में किया, बहुत मज़ा आया वहाँ, और भी लोग थे, बच्चे भी थे, सब स्विमिंग कर रहे थे। अली को थोड़ी सी स्विमिंग सिखाई मैंने, वैसे उनको आती है लेकिन ना थोड़ी सी डिफरेंटली आती है, उनको पाकिस्तानी स्टाइल में आती है, तो मैं उनको बस वो सिखा रही थी। और फिर हम लोग आए तो यू नो टाइम स्पेंड हो जाता है यूके की बिज़ी बिज़ी लाइफ से थोड़ा सा ना हट के, तो अच्छा भी लगा। तो इंशाल्लाह ऐसे आउटिंग्स हम करते रहेंगे। और अभी बच्चों का भी पता किया है, वो भी बिल्कुल ठीक है, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। तो अभी बस अली को मैसेज करती हूँ ताकि वो आए, और फिर हम लोग, मुझे भूख थोड़ी सी लग पड़ी है, ऑब्वियसली स्विमिंग करने के बाद बहुत भूख लगती है, तो फिर चलते हैं और कुछ खाते हैं। अनी आई लव द होटल, होटल की भी मैं अलग से ब्लॉग बनाऊँगी, ज़रूर देखिएगा, बहुत ही प्यारा होटल है। और अगर मौसम इससे थोड़ा सा भी गर्म होता तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, स्पेशली यू नो हाथ थक गया सॉरी, स्पेशली जो बीच है और वहाँ पे, बेसिकली ये होटल करने का मकसद यही होता है कि अगर आपके छोटे बच्चे हो ना तो यहाँ पे पूल्स भी हैं, आपने देखा एक्वा फन भी है, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी है, नीचे डिस्को भी है, अभी डिस्को विस्को और ये जो इनकी थोड़ी सी इंटरटेनमेंट है ये बिल्कुल हमने नहीं देखी। अभी कल ही रात को तो आए हैं, और अली को जेट लैग था तो वो तो सोए हुए थे आज पूरा दिन। और होटल का खाना इज़ द बेस्ट, चाहे जितना मर्जी का फिर भी अच्छा है, नाइस नाइस है, स्पा है, हमाम है, जिम है, और क्या है, और बहुत कुछ है। तो वही मैं कह रही हूँ कि अच्छा सा पैकेज मिल जाए जैसे हमें मिला है, तो बहुत बहुत लाइक एक वो होती है ना, क्या है, जाएँगे किसी कंट्री में, बाहर भी जाएंगे, अंदर भी जाएंगे, पैसे खर्च होंगे। सिर्फ 450 पर पर्सन था फॉर 10 नाइट्स, शायद इससे भी अगर मैं डेट्स को फिडल करती तो थोड़ा सा सस्ता मिल जाता, लेकिन जो मैंने डेट्स की थी उसका 400 एक्चुअली 48 पाउंड था, 50 कर लें, 450 में पर पर्सन था, दोनों की फ़्लाइट्स, 10 दिन आराम से, 22 kg लगेज था, 10 kg हैंड में था, हालांकि हैंड में नहीं पकड़ा लेकिन वो ऑप्शन होती है ना, सो डील अच्छी मिली। एंड यहाँ आके कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आप बाहर भी ना निकलें तो इट्स फाइन, होटल में ही सब कुछ है, खाना पीना, बच्चों का, अब देखिए सर्दी है फिर भी इनका जो इंडो पूल है वो हॉट था, तो बहुत लाइक स्विमिंग में भी हमने कर ली, वरना अभी पीछे दो दफ़ा इवन ईमान के साथ गई थी तो थोड़ी सी वो स्विमिंग की थी क्योंकि वो पानी काफ़ी ठंडा था, और ये लास्ट टाइम मैं मराकेश में गई थी तो वहाँ पर भी स्विमिंग नहीं की, तो आज मैंने की तो बहुत अच्छा लगा। और यस सो ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, शायद काफ़ी लंबा हो गया होगा रूम टूर और मेरी बातें, तो बने ही रहिए, बहुत सारे व्लॉग्स आएंगे और भी, अभी हमने डिसाइड करना है क्या करना है क्या नहीं। तो यस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।